मैं लखपति बेटी को बनाऊंगा। माँ बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। बेटियों को बहनों को हम रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण ITI और बाकी संस्थाओं से दिलवाने का हर साल काम करेंगे। सबसे बड़ा मिशन अगर कोई है तो माँ बहन और बेटियों का सशक्तिकरण है। उसके लिए पूरी जिंदगी भगवान पूरी जिंदगी लगाएंगे। ये उजियारा है उम्मीदों का, हौसलों का, स्त्री की दुनिया को बदलने खड़े हुए सरोकारों का। यह आगाज है स्त्री के अस्तित्व को बराबरी का अधिकार देने के लिए हकीकत में किए गए प्रयासों का। इन प्रयासों ने दिया स्त्री को समानता का सम्मानजनक एहसास, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया दृढ़ संकल्प, जिसे पूरा करके महिलाओं का किया हर सपना साकार। शिव ने किया स्त्रियों का सम्मान, जीवन के हर मकाम के लिए तैयार की योजनाएं। स्त्रियों के स्वाभिमान और सम्मान के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से संभाली प्रदेश की कमान, तभी से आया नया जोश और परिवर्तन। चंद वर्षों में ही आज मध्य प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर में हुआ सुधार, कम हुए बाल विवाह तो नियंत्रित हुआ है लिंगानुपात, नाउम्मीदी का दौर हुआ है खत्म। उम्मीदों की एक नई सुबह दिखाई शिवराज सरकार ने। मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता से एक नहीं अनेक पुरस्कारों से प्रदेश हुआ गौरवान्वित। प्रधानमंत्री भी प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण कार्यों के न सिर्फ हुए कायल, साथ ही दिया प्रदेश सरकार को पुरस्कार। लेकिन नहीं लगा विराम शिव की कोशिशों पर, दिल में रही यही कसक, कैसे बढ़े महिलाओं का समाज में ज्यादा से ज्यादा सम्मान। राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम करने, द्वितीय महिला पंचायत में की घोषणाएं, तारीफ की बड़ी बात ये घोषणाओं का जल्द से जल्द किया क्रियान्वयन, जिनको पहनाया जा रहा है आज हकीकत का अमली जामा। जब जो बेटियां गांव से छोटे शहरों से पढ़ने बड़े शहरों में आएगी और कमरा किराए पे लेकर रहेंगी, तो कमरे का किराया उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, उनका मामा चुकवाएगा, सरकार के खजाने से भरा जाएगा। सपनों को परवान देती वर्किंग वुमेन्स के लिए काम से लौटने के बाद घर न सही घर जैसा माहौल मिल जाए, इसी मकसद से प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में शुरू किए जा रहे हैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल। भोपाल में इसका शिलान्यास हो चुका है, बाकी शहरों में भी इनके निर्माण का काम रफ्तार पकड़ चुका है। कामकाजी माओं की भी है चिंता। प्रदेश के 51 जिलों में होंगे अब झूला घर, जहां अच्छे माहौल में कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल की जाएगी। अब शासकीय संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं को 2 वर्ष का मातृत्व अवकाश देने का आदेश भी सरकार ने पारित कर दिया है, ताकि स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान कहे जाने वाली माँ की भूमिका भी स्त्री पूरी जिम्मेदारी से निभा पाए। लाडली लक्ष्मी योजना के बावजूद फिक्र है कि बेटी को कोख में जगह मिलती रहे, लिहाजा अब लिंगानुपात पर उत्कृष्ट काम करने वाले जिलों को भी प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आंगन की चिड़ैया चहचहाए, ये लाडो सदा खिलखिलाएं मुस्कुराएं, तो सरकार बाल विवाह रोकने में उल्लेखनीय काम करने वाले 10 व्यक्तियों को विशेष पुरस्कार दे रही है। इस वर्ष पुरस्कार के हकदार बने ये 13 बच्चे, जिन्होंने खुद बगावत करके अपना ब्याह रुकवाया और खत्म होते अपने बचपन को बचा लिया। बचपन बचाने के साथ बच्चों की सेहत के लिए फिक्रमंद सरकार ने स्नेह सरोकार पुरस्कारों का भी ऐलान किया। कुपोषण कम करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिले इस पुरस्कार के हकदार बन रहे हैं। अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही अबला, जो अब तक खामोश थी, उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए शुरू किए जा रहे उषा किरण केंद्र,
जो उन्हें फिर खड़े होने का संबल दे रही हैं। ये ऊषा किरण केंद्र स्थापित करने का काम करेंगे और एक स्थान पर सारी सुविधाएं उनको देने का काम करेंगे, जिससे अगर कोई हिंसा से पीड़ित हमारी बहन और बेटी है उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। जल्द ही भोपाल समेत ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन में केंद्र स्थापित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अबला नहीं तुम शक्ति हो, ये एहसास जगाने महिला हिंसा के खिलाफ वीरता की आवाज बनी महिला को 1,00,000 रुपए की राशि के साथ अरुणा शानबाग पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देगी सरकार। महिला के आत्मसम्मान को बनाए रखने की एक और कोशिश कि अब जेंडर संवेदनशीलता पर सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों कर्मचारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण दिए जाने की तैयारी है, जिसे अधिकारियों कर्मचारियों की आचरण रिपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी जिस भी रूप में हो, पूरे परिवार का ख्याल रखने वाली स्त्री अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा लापरवाह रही है, लेकिन अब प्रदेश के हर जिले में महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच के साथ इलाज का पूरा खर्च सरकार के जिम्मे होगा। महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके, इसी मकसद से प्रोजेक्ट उदिता की शुरुआत हुई। एक पंथ दो काज की तरह चलने वाले इस प्रोजेक्ट में एक तरफ स्वसहायता समूहों को सैनिटरी पैड बनाने के साथ रोजी रोजगार मिलेगा और ये सैनिटरी नैपकिन आंगनबाड़ियों पर बने उदिता केंद्रों के जरिए गलियों गांव से घर घर तक पहुंच जाएंगे। आखिर सक्षम स्त्री ही तो सार्थक पीढ़ियों का निर्माण करेगी, तो प्रदेश भर में सक्रिय स्वसहायता समूहों के जरिए आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं के लिए अब फिर खुले हैं अवसर के नए द्वार। शासन के नियंत्रण वाली वो संस्थाएं जहां स्त्रियों को सिद्धहस्त वाला काम यानी भोजन बनवाया जाता हो, वहां भी अब स्वसहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जो बेटियां ऊंची परवाज के ख्वाब देख रही हैं, कामयाबी की दहरी पर खड़ी उन बेटियों को पंख भी दे रही है सरकार। गैर आयकरदाता परिवार की बेटियां यदि उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला लेती हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से एक मुश्त 20,000 रुपए दिए जाएंगे। हंसते मुस्कुराते ये चेहरे आज आत्मविश्वास के उजाले से दमक रहे हैं, जिसकी दमक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संकल्प शक्ति की ही बदौलत है, जिन्होंने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए हर संभव कोशिश की और महिलाओं को दिलाई एक नई पहचान, नया सम्मान।